बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुश आमदीद सीएमएडीजी के प्लेटफॉर्म से। आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में कंपनी लॉ हमारा सब्जेक्ट है, CAP 7 न्यू स्कीम के मुताबिक। सबसे पहले मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। मोहम्मद शकील ताहिर इस वक्त आपसे मुखातिब है जी। 17-18 साल हो गए हैं लॉ की टीचिंग करते हुए, एक्सक्लूसिवली एक्सपीरियंस सीए की टीचिंग का। और CAP 4 बिजनेस लॉ और CAP 7 कंपनी लॉ, ये दो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं के अंदर स्पेशलिटी है। तो असल के वो दो हिस्सों में डिवाइड है, बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ। और दोनों ही पेपर्स हैं वो 100 100 मार्क्स के। 100 मार्क का पेपर बिजनेस लॉ और 100 मार्क्स का पेपर कंपनी लॉ। तो जो इस वक्त कंपनी लॉ का पेपर है 100 मार्क्स का, इसके जो सिलेबस कंटेंट्स आईके आपने हमें दिए हैं वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। 12 चैप्टर्स पर मुश्तमिल हमारी ये किताब है, हमारा ये सिलेबस है। इसमें आपको ये बता दूं कि बहुत ज्यादा कोई लंबी चौड़ी चेंजिंग्स नहीं आई। इसमें दो नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं और कुछ चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 1, कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी की टाइप्स, कंपनी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। ये बिल्कुल वही है कि जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस सिलेबस में था, क्योंकि ऑलरेडी आप में से अक्सरियत मेरे ख्याल वो स्टूडेंट्स हैं कि जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं। क्योंकि ये पोस्ट रिजल्ट क्लास है तो इसलिए प्रिजम्पशन यही है कि आप में से अक्सर शायद वो स्टूडेंट्स होंगे कि जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो सका। तो मुमकिन है कि आप लोगों में से अक्सर को ये आइडिया हो, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है तो उसके लिए भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनी लॉ का जो सिलेबस है, जो इस दफा नया आईके आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें कोई बहुत ज्यादा तफसील से चेंजेस नहीं इंट्रोड्यूस करवाई गई। सिर्फ दो नए चैप्टर्स हैं जो ऐड हुए हैं और कुछ चैप्टर्स के अंदर नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे यू विल कम टू नो। सो चैप्टर 1, कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी की टाइप्स, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, इसी तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चैप्टर नंबर 2 बना दिया गया है। जो पहले एक चैप्टर था जिसका नाम था मैनेजमेंट, उस चैप्टर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और दो चैप्टर्स बना दिए गए। चैप्टर नंबर 3 डायरेक्टर्स, और चैप्टर नंबर 4 एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स के बारे में प्रोविजंस लिखी हुई हैं। अलबत्ता डायरेक्टर्स के चैप्टर के अंदर कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये इस दफा न्यू एडिशन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 शेयर कैपिटल, बिल्कुल वही चीजें जो पहले वाली थी। चैप्टर 6 प्रॉस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो चीजें पहले थी वही अभी हैं। ये है वो पहला चैप्टर जो न्यूली एडिड है। चैप्टर नंबर 7 मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस, वैसे बाय द वे ये पहले भी हुआ करता था चंद साल पहले, फिर आई कैप में इसको सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया और अब की दफा न्यू स्कीम के अंदर कंपनी लॉ के सिलेबस में इसे एक मरतबा फिर शामिल कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस, बिल्कुल पहले वाले कॉन्टेंट्स हैं। चैप्टर नंबर 9 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं कि कुछ टॉपिक्स की अरेंजमेंट आगे पीछे की गई है, ठीक है, अलबत्ता टॉपिक्स वही वाले चल रहे हैं। फिर
इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि ये जो एक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, ये पहले मैनेजमेंट के चैप्टर में हुआ करता था, तो अब उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अलबत्ता चीजें बिल्कुल वही वाली हैं। फिर अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न। अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पहले वाला ही है। और ये चैप्टर नंबर 12 भी न्यूली एडेड चैप्टर है जी। चैप्टर नंबर 12 ये इजाफा है इस दफा सिलेबस के अंदर। इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी वाइंड अप करनी है तो उसके रिलेटेड कौन कौन से लीगल रूल्स हैं। सो इस तरह चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 12 ये वो दो चैप्टर्स हैं जो न्यूली एडेड हैं, इजाफा किया गया है। बाकी तकरीबन तमाम टॉपिक्स वही हैं जो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में थे। मार्क्स ग्रिड को देख लेते हैं। जो मार्किंग स्कीम इस दफा नई आईकैप में इंट्रोड्यूस करवाई है वो देख लेते हैं। इसमें पूरे सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें जो पहले वाला पार्ट है इनकॉर्पोरेशन एंड इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, तो 15 नंबर से लेके 20 नंबर के सवालात यहाँ से आएंगे। फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, जो टॉपिक्स मतलब इससे मुतालिक हैं। इन टॉपिक्स में से 20 से 25 नंबर के सवालात, मीटिंग्स, प्रोसीडिंग्स, डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, 20 से 30 नंबर के सवालात, अकाउंट्स एंड डिविडेंड के टॉपिक्स में से 15 से 20 नंबर के सवालात, और जो वाइंडिंग अप का टॉपिक जो नया शामिल किया गया है इसमें से भी 15 से 20 नंबर के सवालात। सो ये जो न्यू मार्किंग स्कीम आईकैप ने अनाउंस की है उसके मुताबिक मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इंशाल्लाह इस पेपर को जो लेके चल रहे होंगे वो जरा आपको बता दूं, इसी तरतीब से हम इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 और फिर ऑनवर्ड इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि इसमें को बहुत ज्यादा इजाफा नहीं किया गया, सिर्फ दो चैप्टर इसमें जो हैं वो नए ऐड किए गए हैं। सो अगर तो वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है तो उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी इंशाल्लाह अजीज इसी तरह मैं सिलेबस लेके चलूंगा कि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी, दिक्कत या मुश्किल पेश नहीं आएगी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। बाकी रहा जो पेपर पैटर्न है, तो पेपर पैटर्न के अंदर भी थोड़ी सी तब्दीली लेके आई गई है। एमसीक्यूज पहले जब तक ये पेपर इकट्ठा था, यानी मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ, तो 30 एमसीक्यूज थे, लेकिन अब आईकैप ने एमसीक्यूज जो हैं वो 15 15 कर दिए। मतलब 15 एमसीक्यूज बिजनेस लॉ के पेपर में, CAF 4 में, और 15 एमसीक्यूज कंपनी लॉ के पेपर में आएंगे। और इसके बाद जो रिमेनिंग 85 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं वो सिनेरियो बेस्ड भी होंगे। जिसे आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी कहते हैं, और प्लस इसके साथ जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो 15 नंबर के एमसीक्यूज और रिमेनिंग 85 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह के होंगे। सिनेरियो बेस्ड भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, और ज्यादा जो सवालात होंगे वो सिनेरियो बेस्ड होंगे। तो ये जिस तरह इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को लेके चल रहे होंगे, तो इसमें एमसीक्यूज, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज की प्रैक्टिस, ताकि वो स्टूडेंट्स के जिन्हें केस स्टडी वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल पेश आती है,
ये मुश्किल भी दूर हो जाए, और इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में आपको मैं बाकायदा तौर पे पैटर्न भी बता दूंगा कि किस तरह हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नंबर ले सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने का तरीका और इवन आपको मॉडल आंसर भी दे दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करके। तो जो लेक्चर्स के अंदर टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों के ऊपर भी हम फोकस कर रहे होंगे, ताकि जिन बच्चों ने पहले पेपर दिया था और रह गया था उनमें जो कमी रह गई थी तो वो कमी दूर हो जाए। लेकिन एक चीज है जो मैं आप लोगों से डिमांड करूंगा कि जो काम आपको दूं या जो आपको काम करने के लिए मैं कहूं उसके ऊपर आपने जरूर फोकस करना है और जरूर वो काम करके देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कभी आपको असाइनमेंट दूं तो वो असाइनमेंट आपने मुझे सॉल्व करके देनी है। उसका फायदा ये होगा कि उस असाइनमेंट में की जाने वाली गलतियों को मैं पॉइंट आउट करूंगा ताकि आइंदा वो गलतियां आप ना दोहराएं। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको शामिल कर दिया जाएगा जो स्टूडेंट्स एनरोल होते जाएंगे, और डेली बेसिस के ऊपर टॉपिक पढ़ने के बाद आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारी क्लासेस होंगी पोस्ट रिजल्ट क्लासेस, ये लाइव क्लासेस हैं। ये जिस तरह आप फिजिकल क्लास में मौजूद होते हैं और आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस क्लास के अंदर भी आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आप मुझसे वॉइस के जरिए भी सवाल जवाब कर सकते हैं। आप मुझे अपना क्वेश्चन टाइप करके भी भेज सकते हैं, मुझे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं उसका वहां पे आंसर करूंगा। तो फिजिकल क्लास की तरह, फिजिकल क्लास के पैटर्न पे हम इस क्लास को कंडक्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं कर सके किसी वजह से, तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको शाम तक आपके पोर्टल पे अवेलेबल कर दी जाएगी। वहां से सुन के, किताब से पढ़ के, फिर कुछ जहन में सवाल आए तो फिर भी आप वो सवाल आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। अगर वो सवाल तफसील से बयान करने वाला हुआ उस सवाल का जवाब, तो मैं खुद आपसे कह दूंगा कि भैया आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपको कॉल के ऊपर इंशाल्लाह तफसीली जवाब आपका बता दूंगा। सो यू विल फाइंड मी वेरी कोऑपरेटिव इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि बातों को समझाने में, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में इंशाल्लाह अजीज, अगर बाद में भी कोई सवाल करेगा तो कॉल के जरिए भी मैं उसको एंटरटेन कर दूंगा इंशाल्लाह। तो कल से इंशाल्लाह 1 से 2 बजे हमारी क्लास हुआ करोगी, मंडे टू सैटरडे इंशाल्लाह। चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट।